हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केदार। हाँ तो गाइस, सभी को पता है पुष्पाधर उनके लिए जितना तगड़ा हाइप देखने को मिल रहा है, रश देखने को मिल रहा है, उससे भी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। कितना गर्मी पड़ रहा है भाई, सब रहा ही नहीं जा रहा, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब ऊपर से इतना पसीना और इतनी सारी बैक टू बैक अपडेट तो शेयर तो करनी पड़ेगी। अब चाहे गर्मी हो बरसात हो, भाई सब अपडेट तो शेयर करनी पड़ेगी। और जिस तरह से भाई सब पुष्पाधर उनके लिए बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं, कॉमेंट आ रहे हैं, काफी लोगों ने मुझे कहा है कि हर्ष भाई पुष्पाधर उनके बारे में टीजर के बारे में कुछ अपडेट दे दो, कैरेक्टर के बारे में अपडेट दे दो, कुछ एक्शन सीक्वेंस के बारे में अपडेट दे दो, शूट के बारे में अपडेट दे दो, इवन टीजर ट्रेलर के बारे में अपडेट दे दो। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताता चलूं, पुष्पाधर उनकी इतनी बड़ी हाईलाइट का अपडेट लेकर आया हूं जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी ज्यादा शॉक्ड करने वाला है। और ये जो हाईलाइट होने वाली है कैरेक्टर से रिलेटेड होने वाली है, और आप ये सोचने वाले हैं कि यार पुष्पा के पहले पार्ट में तो ऐसा नहीं था, ये सडनली पुष्पाधर उनके मतलब कि क्या हो क्या गया है। हाँ तो गाइज, ये जो अपडेट है कैरेक्टर के बारे में है, जिसका जो नाम है एमएलए सिद्धप्पा, जो कि अपने को पुष्पाधर रूल में 1 में देखने को मिले थे, 2 में अभी देखने को मिलेंगे काफी बाप लेवल पर। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो कैरेक्टर है जिनका जो नाम है, रियल जो नेम है राव रमेश, जो कि सिद्धप्पा के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। और ये जो ऐसा कैरेक्टर होने वाला है पूरा का पूरे मूवी का, यानी कि पुष्पाधर उनका फिजिक्स बदलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों ने काफी सारी मूवी देखी होगी, उसमें काफी सारे कैरेक्टर देखे होंगे, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि अपन एक्सपेक्ट नहीं करते, सडनली ऐसा कांड कर देता है, पूरा का पूरे मूवी को बदल कर रख देता है। एग्जाम्पल के लिए अपने पुष्पा के पहले पार्ट को ही देख लो, वहां पर कितने सारे पुलिस वाले हैं, कितने सारी कास्ट देखने को मिली, लेकिन जब फहाद फाजिल की एंट्री हुई, यानी कि भंवर सिंह शेखावत की एंट्री हुई है, भाई साहब पूरा का पूरा फिजिक्स बदल कर रख दिया था। बिल्कुल उसी तरह ये कैरेक्टर पुष्पाधर उनका फिजिक्स बदलने वाला है। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर ये कास्ट ये कैरेक्टर नहीं होता तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पुष्पा भाव को सिंडिकेट का मतलब कि रूलर बनाता, इंटरनेशनल लेवल पर उसके कामकाज को ले जाता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता अगर ये कास्ट नहीं होता। हाँ तो गाइस, बात करते हैं इस कास्ट के बारे में, जिसके लिए काफी लोग ने मुझे बोला है कि हर्ष भाई कुछ कास्ट के बारे में अपडेट दो, उनके कैरेक्टर के बारे में अपडेट दो। तो भाई साहब, ये जो कास्ट है, रिसेंटली इनका बर्थडे भी था, हमने इस पर पोस्टर पर रिएक्शन भी दिए थे और कुछ अपडेट भी शेयर की थी इनके बारे में। मूवी की टीम ने ऑफिशियली लेवल पे ट्वीट भी करते हुए रिवील करा था कि इनका जो कैरेक्टर होने वाला है काफी बड़ा होने वाला है। तो गाइस, आप लोगों ने पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में इन्हें एज अ कॉमेडियन, भाई कॉमेडी ही बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जोक मारते हुए नजर आए, कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हुए नजर आए, जिससे कि ऑडियंस को, फैंस को काफी ज्यादा हंसी आया हो, काफी ज्यादा मजा किया, सीन बनाया था। लेकिन पुष्पाधर रूल के अंदर ये जो कांड करने वाले हैं काफी खतरनाक लेवल पर करने वाले हैं। पहले मैं ऑफिशियली लेवल पे आप लोगों को बता देता हूं पुष्पाधर रूल की टीम ने क्या कहा था इनके बर्थडे के दिन पर, तो आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वॉच हिम एज द पावरफुल पॉलिटियन सिद्धप्पा इन पुष्पाधर रूल। भाई साहब, आपने इन्हें पार्ट 1 में एज अ एमएलए देखा, लेकिन आपको ऐसा लगा था क्या पावरफुल पॉलिटिशियन है? नहीं ऐसा लगा था क्या? आप लोग मुझे बताओ, कहीं ना कहीं कॉमेडी फील, कुछ ना कुछ ऐसा डायलॉग जहां पर अपने को पता चल जाता था ये कास्ट काफी अच्छी लेकिन काफी ज्यादा कॉमेडियन है। लेकिन टीम ने क्या कहा है, वॉच हिम एज द पावरफुल पॉलिटिशियन सिद्धप्पा इन पुष्पाधर रूल। और गाइज, आप लोगों ने पुष्पाधर रूल का वेयर इज पुष्पा वाला ग्लिम्स तो देखा ही होगा, जहां पर अपने पुष्पराज भागते हुए नजर आ रहे, फरारी काटते हुए नजर आ रहे, अंडरग्राउंड होते हुए नजर आ रहे। और उसमें यह भी बताया था कि चेन्नई की जेल से पुष्पराज भाग चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो कहीं अंडरग्राउंड होने का कारण ये कास्ट तो नहीं है ना? नहीं, ये कास्ट तो नहीं है, एमएलए सिद्धप्पा तो नहीं है, क्योंकि मूवी की टीम ने अगर ये बोला है कि पावरफुल पॉलिटिशियन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड होने का कारण सिद्धप्पा सर ही होने वाले हैं, जो कि अपने को 15 अगस्त के दिन इजीली लेवल पर देखने को मिल जाए। भाई सब काफी पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है, और ये वही कैरेक्टर होने वाला है जो कि पूरे पिक्चर का मतलब कि होता है ना कि पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला है, मतलब कि इंटरवल तक, बिफोर इंटरवल तक अपने को काफी अच्छा इनका बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, पुष्पा भाऊ का और सिद्धप्पा सर का, एमएलए सिद्धप्पा सर का, दोनों का काफी तगड़ा अटैचमेंट देखने को मिलेगा, दोनों की जो रिलेशनशिप रहेगी, मतलब कि बिजनेस से लेकर, सिंडिकेट से लेकर, जापान से लेकर, उसी के साथ सारी जो चीजें देखने को मिलेगी बिफोर इंटरवल से, पहले पहले काफी अच्छा इनका मतलब कि कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो पोस्टर शेयर किया ना, ये पोस्टर के बाद
जो एक्चुअल में फेस देखने को मिलेगा एमएलए सिद्धप्पा सर का, मतलब कि वो बता देंगे कि पॉलिटिशियन का सही पावर क्या होता है पुष्पदा रूल के अंदर, जो कि अपने को इजीली पता चल रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार क्या है, किस टाइप का पावरफुल मतलब कि पॉलिटिशियन होने वाला है, किस टाइप पर अपने पॉलिटिशियन को सही यूज करने वाले हैं या राइट वे में यूज करने वाले हैं या फिर रॉन्ग वे में यूज करने वाले हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जहां तक मुझे अपडेट आई है, ये वो मतलब कि ये वो पावर यूज करने वाले हैं अगेंस्ट पुष्पा राज के, अगेंस्ट मतलब कि उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं, और जो रीजन होगा वो काफी तगड़ा होगा, और वो रीजन इस पोस्टर में देखने को मिला है। इस पोस्टर में ऐसा कुछ कांड हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्यूनरल होगा जहां पर कोई बड़ी कास्ट का डेथ वेथ हो जाएगा या पुष्पा राज के थ्रू मारा जाएगा, तो वहां पर फ्यूनरल में जाते हुए रहेंगे। तो ये पोस्टर के बाद, ये सीन के बाद सारा का सारा जो मूवी है काफी इनक्रेडिबल हो जाएगा, और काफी सस्पेंसिव हो जाएगा, और काफी एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, और सोचने पर मजबूर करेगा कि यार हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और काफी लोग बोलेंगे कि हर्ष भाई इस वीडियो में क्या अपडेट था, तो भाई साहब अपडेट तो था ही था, जो कि पुष्पा दा रूल के जितने ऑल फैन है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बातचीत थी, जो कि अपने को 15 अगस्त के दिन देखने को मिल जाएगा। और आप लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि हर्ष भाई आपने सच बोला था बिफोर रिलीजिंग से पहले इतनी बड़ी बड़ी अपडेट शेयर की, अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा, नेगेटिविटी करने आ जाएंगे कि ये वो ऐसा वैसा। कि गाइस आप लोग हमें बताएं इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा दा रूल के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है एमएलए सिद्धप्पा सर के बारे में, पुष्पा राज के बारे में, ये जो मतलब कि यहां पर अपना पावर दिखाने वाले हैं उसके बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि क्या रीजन रह सकता है अगेंस्ट जाने का। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।